नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भास्कर आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से विजय न्यूज न्यूज हटके के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले कि वीर सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता। जन्म 28 मई 1983, मृत्यु 26 फरवरी 1966। वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वे महान क्रांतिकारी थे, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थे। उनका जीवन बहुआयामी था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। बचपन में ही उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक पास की। आज़ादी के लिए काम किया। उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। 1905 में बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। तिलक के अनुशंसा पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। वे रूसी क्रांतिकारी से ज़्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई थी। लंदन में इंडियन हाउस की देखरेख भी करते थे। मदनलाल धिंगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धिंगरा के लिए लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में स्वदेश लौटे, फिर 3 साल जेल में भोगी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्र तार भेज और आजीवन अखंड भारत के पक्षचर रहे। आज़ादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नज़रिया अलग अलग था। ऐसे पहले कवि जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। 26 फरवरी 1966 को भारत में इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। पूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वीर सावरकर की इस जयंती पर स्वतंत्र वीर सावरकर को कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।